नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर, चंबा हलचल में आपका स्वागत है। चंबा रुमाल को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाली चंबा की ललिता वकील को 28 मार्च 2022 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म सम्मान भारत का सबसे उच्च नागरिक सम्मान है। प्रतिवर्ष ये सम्मान सार्वजनिक जीवन, समाज सेवा, कला, विज्ञान, व्यापार, मेडिसिन, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान और काम के लिए दिया जाता है। ललिता वकील ने 1970 में चंबा से उच्च शिक्षा प्राप्त की। 1978 से 80 में ITI चंबा से डिप्लोमा किया। साल 2006 में चंबा रुमाल की कढ़ाई की प्रदर्शनी के लिए जर्मनी गई और 2011 में कनाडा में कैनेडियन ट्यूलिप फेस्टिवल में भाग लिया। चंबा रुमाल के संरक्षण और संवर्धन के लिए 50 सालों से काम कर रही हैं। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए ललिता वकील ने उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद किया और अपनी इस उपलब्धि के बारे जानकारी दी। मुझे सम्मान दिया, इतना प्यार दिया और उसकी वजह से मैं सारा यहाँ पर काम कुछ कर पाई हूँ। देखिए, ऐसा है कि शुरू में तो जैसे कुछ नहीं था चंबा रुमाल का इतना, जब मैंने शुरू किया था। शुरू से और आज तक की मेरी 50 साल की जर्नी होगी है चंबा रुमाल के लिए, तो उस वक्त इतना नहीं होता था, मतलब इतना चंबा रुमाल हाईलाइट नहीं था, इतना लोग पहचानते नहीं थे इस वक्त को। तो जैसे मैंने इसको थोड़ा सा रिवाइव किया, जो पुराना अपना जो चंबा रुमाल था उसको तो मैंने रखा ही रखा, पुराना टच जो था वो रखा रखा, पर मैंने नए डिज़ाइन, नई मतलब डिज़ाइनों के अलग अलग सारे जो वो थे वो मैंने इसमें डाले, जैसे स्टॉल, सॉल, आजकल तो साड़ी भी हम लोग बना रहे हैं और मिनीचर में भी काम किया है, थोड़ा पैनल सेट बनाए, काफ़ी कुछ जो था वो चंबा पुराना टच जो था वो तो मैंने रखा ही उसमें, पर थोड़ा नए डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी अप्रिशिएट जो लोगों ने पसंद किए। जी, आपको मैं इस चीज़ का वो नहीं बता सकती हूँ कि जब वहाँ पहुँचते हो तो क्या महसूस होता है, इतना गर्व महसूस होता है कि आप मतलब अपने आप को लगता है कि पता नहीं कहाँ पहुँच गए हम, या स्वर्ग की अनुभूति होती है उस वक्त आपको ना, कि हम देखो कितनी अच्छी मतलब वो काम करने से, इतना अच्छा काम करने से आप कहाँ पहुँच सकते हो। तो राष्ट्रपति जी के हाथों से ये जो अवार्ड मुझे मिला तो उनका भी मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ, और सबका, मैंने बोला ना सबका, भारतवासियों का, हिमाचल वासियों का और अपने चंबा वासियों का, जिन्होंने मुझे इतना ऑनर और इतना सम्मान दिया। अमूमन टाइम नहीं होता, स्पेशली मुझे मुबारक दी है कि ललिता वकील जी आपको बहुत बहुत इसके लिए मुबारक, आप फिर आएंगे काम करने के लिए तीसरी बार, आपको फिर मैं फिर तक तैयार रहूंगा। जी मैडम जी, अब भविष्य की क्या योजना है आपकी? देखिए, ऐसा है कि भविष्य में तो मैं ऐसा मैंने सोच रखा है कि जो गरीब औरतें हैं, जो कुछ पढ़ाई लिखाई में नहीं है, काम नहीं कर पाती हैं, तो मैं उनके प्रति अपना ज़्यादा ध्यान दूंगी ताकि वो लोग जो हैं वो इस कढ़ाई को सीखें। एक तो ये कला जिंदा रहेगी, आगे तक जाएगी। दूसरा है कि उन लोगों को अगर वो सीख जाती हैं, काम कर पाती हैं, तो उनका जो रोज़गार है वो उनको मिल जाएगा। कम से कम वो है अपने से छोटे से परिवार में वो लोग मतलब अपना जो ये साथ है वो अपने परिवार के लिए दे पाएंगी, या खुश रहेंगी, या अपनी रोजी रोटी कमा के हेल्प कर पाएंगी एक अपने परिवार की। जी, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वर्क करना चाहती हूँ। आपको मेरी अब शुरू से कोशिश है कुछ सालों से कि मैं कुछ एक ऐसी चीज़ें बनाऊँ जो कि इतिहास में रह जाए। जी, तो वो ज़्यादा प्रसन्नता हुई थी कि ये जो अवार्ड मिला है तब ज़्यादा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, हर जो प्रसन्नता है अपनी जगह पे अलग अलग होती है। जब मैं वहाँ मुकेश अंबानी जी के उधर पहुँची थी तो उन्होंने जो मेरे वो लिए थे रुमाल या वो जो सेट लिया था पैनल, तो वो उनको बहुत पसंद आया था। चंबा में मैंने जो वो चीज़ बनाई थी वो अलग हटके थी, जो मतलब पेंटिंग जो थी अलग हटके थी, तो उस वक्त मुझे सब मुकेश अंबानी जी आए मिलने के लिए बेचारे। उन्होंने तो मुझे इनवाइट किया अपनी बेटी की शादी के लिए बॉम्बे, उनकी मदर जी आई कोकिला बहन जी, उनकी बेटी जिसकी शादी थी, वो सभी परिवार के सदस्य मेरे साथ मिले थे और उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान दिया। मैं उनका शुक्रगुजार करती हूँ और उनको नमस्कार भी करती हूँ, धन्यवाद भी देती हूँ। उन लोगों ने बहुत सम्मान दिया उस वक्त उन लोगों ने। अच्छा, चूँकि उसके क्या नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हाँ, उन्होंने दो तीन पीस लिए थे
तो उनकी तो मैंने कीमत ली थी। और वो ऐसा है कि अगर आप जैसे चंबा रुमाल की एक डिजाइनिंग अच्छी होगी, उसका मैनेचर अच्छा होगा, और निकालने में अगर खूबसूरती है, स्टाइल है और कलर स्कीम अच्छी है, तो उसकी वैल्यू पड़ती है जी। और ऐसे जो है कि एक चलन सा आ गया है कि ललिता मैडम इतना पैसा लेती है या इतना मतलब मिलता है जी, लोग ना अपने मन से दिल से दे देते हैं, मुझे इतनी उनसे उम्मीद नहीं होती है, और वो बोलते हैं कि मैडम आपका जो काम करने का तरीका है वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, अलग है, हटके। तो मुझे उस चीज की वो लोग प्रसन्नता से अपने मतलब मन से वो कीमत देते हैं। अगर आप देखो एक अच्छा रुमाल भी डिजाइन करेंगे, अगर उसके ऊपर कलर स्कीम अच्छी नहीं होगी, एम्ब्रॉयडरी अच्छी नहीं होगी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। मतलब चीज जो है वो बोलनी चाहिए जी। इसी चीज के लिए मुझे वुमन 95 की बेस्ट क्राफ्ट वुमन 95 का भी मिला था, वो भी इसी चीज में मिला था कि आपकी जो टेक्निक है वो बहुत अच्छी है, कलर स्कीम बहुत अच्छी है, और आपके थोड़े से डिजाइन जो है अलग है, और वो जो चीज ऊपर के आती है वो बहुत सुंदर दिखती है, वो अपने आप उसकी